झारखंड के देवघर में पुलिस ने साइबर अपराधियों पर शिकंजा कसते हुए 16 लोगों को गिरफ्तार किया है। मालूम हो कि पिछले एक साल से लगातार साइबर अपराधियों की धरपकड़ जारी है, फिर भी देवघर जिले से साइबर अपराध खत्म नहीं हो रहा है और साइबर अपराधी सुधरने का नाम नहीं ले रहे। इसी के तहत पुलिस ने अभियान चलाकर जिले के अलग अलग इलाकों से 16 साइबर अपराधियों को पकड़ा है। एसपी ने बताया कि गिरफ्तार रंजीत मंडल, कपिल दास और नाबालिग युवक का आपराधिक इतिहास है और इन पर सारठ सारवा थाना में पहले से मामले दर्ज हैं। देवघर पुलिस के द्वारा साइबर अपराधियों के विरुद्ध में लगातार छापामारी की जा रही है। इसी छापामारी के क्रम में मार्गो मुंडा, मधुपुर, सारठ, कालाजोरी और सारवा थाना क्षेत्र तथा पथरड्डा ओपी क्षेत्र में छापामारी की गई है और जिसमें 15 साइबर क्रिमिनल को गिरफ्तार किया गया है। एक अतिरिक्त निरुद्ध किशोर है जो पूर्व में भी आईटी एक्ट के मामले में संप्रेषण गृह गया है, उसे भी लाया गया है। इस प्रकार कुल 16 व्यक्ति क्राइम के मामले में गिरफ्तार किए गए हैं। इनके पास से 26 मोबाइल, 35 सिम, 3 एटीएम और 11 पासबुक बरामद हुआ है। बता दें कि गिरफ्तार अपराधियों के पास से पुलिस ने 26 मोबाइल, 35 सिम कार्ड, 3 एटीएम कार्ड और 11 पासबुक बरामद किए हैं। पकड़े गए लोगों में एक नाबालिग को भी साइबर ठगी के आरोप में पकड़ा गया है। फिलहाल पुलिस सभी लोगों पर कार्रवाई कर रही है। देवघर से विजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।